हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो ये हमारी सर्किट थ्योरी की क्लासेस चल रही है नेटवर्क एनालिसिस की, जिसमें अपन बहुत सारी क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं। जो बेसिक बेसिक्स था हमारे क्लासेस का, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सोर्सेस। जो हमारे सोर्स होते हैं हमारे, वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो सोर्सेस जो है हमारे, वो मोस्टली दो टाइप से होते हैं। एक होता है डिपेंडेंट सोर्स और एक होता है हमारा क्या, इंडिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स क्या होंगे, वह सोर्स जो किसी पर डिपेंड करें, ठीक है। अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसकी वैल्यू अगर करंट पर भी डिपेंड कर रही है तो वो क्या कराएंगे, हमारे डिपेंडेंट सोर्स। और ऐसे सोर्सेज जो कि क्या करें, किसी की वैल्यू पर डिपेंड ना करें। ओके, सपोज दैट वोल्टेज सोर्सेस है, अपन कर सोर्स जो है वो दो हो, या तो वोल्टेज सोर्स होगा या फिर करंट सोर्स होगा। तो अगर वोल्टेज सोर्स है और वो किसी की वैल्यू पर डिपेंड, मतलब करंट की वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा है, जो हमारा उससे करंट फ्लो हो रहा है उससे इंडिपेंडेंट है, करंट चाहे तो बढ़े चाहे कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो वोल्टेज है अगर वो कांस्टेंट रहता है तो जो हमारे वोल्टेज सोर्स है वो क्या कहलाएगा, हमारा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। और अगर वही वोल्टेज जो है हमारा, वो क्या है, जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू पे अगर डिपेंड करता है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो जो सोर्सेस हैं वो दो टाइप से डिवाइडेड हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस। तो आज अपन वही डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे टाइप्स ऑफ सोर्सेस कितने टाइप के होते हैं। तो टाइप ऑफ सोर्सेस जो है वो सबसे पहले तो दो टाइप के सोर्सेस होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट वोल्टेज, इंडिपेंडेंट सोर्स, और दूसरे टाइप के होते हैं हमारे डिपेंडेंट सोर्सेस। तो ऐसे सोर्स जो कि क्या करें, किसी की वैल्यू पर डिपेंड करें, जो दूसरे पर डिपेंड हो वो क्या कहलाएंगे, डिपेंडेंट सोर्स, और जो दूसरे की वैल्यू पर ना डिपेंड हो वो क्या कहलाएंगे, इंडिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, ऐसे ही अपन बोलते हैं ना कि इंडिपेंडेंट है वो इंसान, इंडिपेंडेंट है मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो अपना खुद सब कुछ करता है, खुद अपना खर्चा चलाता है, सब कुछ है। तो ये जो सोर्सेज किसी दूसरे की वैल्यू पर डिपेंड ना हो वो कहलाएंगे इंडिपेंडेंट, और जो किसी दूसरे की वैल्यू पर डिपेंड हो वो कहलाएंगे सिंपल डिपेंडेंट। अब जो इंडिपेंडेंट सोर्सेस होते हैं ये भी दो टाइप से होते हैं, एक तो होते हैं आइडियल सोर्स और दूसरा होते हैं हमारे क्या, प्रैक्टिकल। तो आइडियल सोर्स क्या होते हैं हमारे, आइडियल सोर्स जो है हमारे वो क्या होते हैं हमारे, दो टाइप से होंगे हमारे, ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट सोर्स है, सॉरी। तो ये पहले इंडिपेंडेंट सोर्स भी दो टाइप, एक हो गया हमारा वोल्टेज सोर्स और एक हो गया हमारा करंट सोर्स, दो होते हैं। अब ये वोल्टेज भी हमारे दो टाइप से होंगे, आइडियल और प्रैक्टिकल, और जो करंट है ये भी हमारा करंट सोर्स जो है ये भी दो टाइप से होंगे, प्रैक्टिकल और हमारे आइडियल, ठीक है। आइडियल वो चीज होती है जिसमें क्या है, लॉसेस वगैरह क्या होते हैं हमारे, मिनिमम होते हैं। प्रैक्टिकल वो चीज होती है जिसमें हमारा, तो आइडियली कोई चीज पॉसिबल होती नहीं है सिस्टम में, जो भी होता है वो प्रैक्टिकली होता है। बट अपन मान के चलते हैं कि अगर आइडियल है, ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा, इनफिनाइट होगा, जीरो होगा, उसके हिसाब से अपन लेके चलते हैं। तो जो टोटल सोर्सेस हैं वो हमारे दो टाइप के हो गए, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो है वो दो टाइप से हो गए हमारे, ठीक है, वोल्टेज सोर्स और करेंट सोर्स, ठीक है। और जो वोल्टेज सोर्स है वो दो टाइप से, आइडियल और प्रैक्टिकल। करेंट सोर्स भी दो टाइप से है, आइडियल और प्रैक्टिकल, ठीक है। और जो डिपेंडेंट सोर्सेस होते हैं वो हमारे चार टाइप से होते हैं। पहला वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, अगर वोल्टेज सोर्स है वो वोल्टेज पर डिपेंडेंट है तो वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो ये जो डिपेंडेंट सोर्स है ये चार टाइप से होते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट सोर्स दो टाइप से होते हैं, उनका भी इंडिविजुअल का अपना दो है, ठीक है। और जो डिपेंडेंट सोर्स होते हैं वो हमारे चार टाइप के होते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। ओके, तो ये हमारे टोटल चार, दो टाइप के हमारे क्या हो गए, सोर्सेस हो गए। अब अपन इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपन डिपेंड बात करते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है। वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे कि किस टाइप का सोर्स हमारे क्या होते हैं। ओके, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स हमारा क्या होगा, सबसे पहले अपन ये डिस्कस करते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। आइडियल वोल्टेज सोर्स जो है हमारे, वो क्या होते हैं हमारे, ऐसे सोर्स जो कि क्या है, लोड की वैल्यू पे डिपेंड ना करें, ठीक है।
मतलब ये सपोज अपन ने ये लिया हमारा वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। वोल्टेज सोर्स भी हमारे दो टाइप से होते हैं, एसी और डीसी। तो ये अगर डीसी है, ठीक है, ये है डीसी वोल्टेज सोर्स और ये है एसी वोल्टेज सोर्स, ओके। ये डीसी है और ये हमारा क्या है, एसी वोल्टेज सोर्स। तो इसकी वैल्यू सपोज ये क्या होगा हमारा वी ऑफ टी, सब मान लें वीएम साइन ओमेगा टी। अगर अपन यहाँ पे कोई भी सर्किट लेते हैं, ये मान लो यहाँ पे कनेक्ट किया और यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है, सिस्टम में कुछ नहीं है। यहाँ का वोल्टेज अगर अपन को फाइंड करना है कि हमारा टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, तो अगर अपन यहाँ पे ये कनेक्ट किया है वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, अपन यहाँ का जो आउटपुट वोल्टेज है वी ऑफ टी, ये फाइंड करना चाह रहे हैं क्या होगा। तो यहाँ पर करंट क्या फ्लो होगा, लोड करंट आई एल, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज है वही सेम वोल्टेज यहाँ पे लगेगा हमारा, ओके, क्योंकि बीच में कोई हमारा रेजिस्टेंस तो है नहीं है, कोई ड्रॉप हो नहीं रहा है, ठीक है, कोई भी लॉस हो नहीं रहा। तो जितना सोर्स यहाँ पे है वही सेम सोर्स हमारा क्या होगा यहाँ पे लगेगा, क्यों, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेजेस जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो v ऑफ t इक्वल टू क्या आ गया, vm sin ओमेगा t, ओके। तो ये जो टर्मिनल वोल्टेज है क्या वो लोड करंट की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये लोड करंट कुछ भी हो, टर्मिनल वोल्टेज हमारा सेम ही रहेगा, v ऑफ t vm sin ओमेगा t के बराबर, ठीक है। v IL क्या है यहाँ पे, लोड करंट है हमारा, v ऑफ t क्या हमारा, टर्मिनल वोल्टेज। तो सपोज अगर अपन इसका ग्राफ देखते हैं, सॉरी, अगर अपन इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये हमारा लोड करंट है आई एल, ओके, ये है वोल्टेज हमारा वी। तो जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज होगा वी ऑफ टी, वो क्या होगा, अगर हमारा कांस्टेंट होगा हमारा, ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी हमारी। अगर अपन यहाँ पे सपोज डीसी सप्लाई देते हैं, ठीक है, अगर अपन एसी देते हैं तो ये जो होगा हमारा वो एसी सप्लाई होगी, जैसा मिल रहा था वी, वी ऑफ टी जो है वो वी एम साइन ओमेगा टी होगा। तो जो है जैसा हमारा था वो उसी के हिसाब से मिलेगा। सपोज यहाँ से अपन इसको ड्रॉ करते हैं तो वो इस अकॉर्डिंग मिलेगा, और यहाँ पे अगर अपन वी जो है वो हमारा क्या है, प्लस माइनस डीसी वोल्टेज देते हैं, तो अपन को कैसा मिलेगा, कॉन्स्टेंट। मतलब ये लोड की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा, जैसा इनपुट होगा सेम वैसा ही अपन को क्या होगा, आउटपुट में मिलेगा। ये आईएल पे हमारा क्या करेगा, डिपेंड नहीं कर रहा होगा। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज है वो इंडिपेंडेंट है अगर लोड करंट से, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। मतलब आइडियल है, मतलब वो क्या कर रहा है, हमारा लोड करंट की वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए वह क्या कहलाएगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं इसका जो ग्राफ है वो कैसा आया हमारा, अगर अपन मान लो डीसी सप्लाई देते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो अपन ने डीसी सप्लाई दी है, सपोज ये जो सप्लाई है वो हमारी क्या है, डीसी है। तो अपन ग्राफ, अपन ने देखा कि ग्राफ कैसा आ रहा है, ये है लोड करंट और ये अगर अपन वी ऑफ टी निकाले तो ये क्या आएगा, एक कॉन्स्टेंट डीसी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ग्राफ कैसा है हमारा, नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर है ना, लीनियर क्या होता है, जो कि क्या होता है, आउटपुट जो होता है अगर एक्साइटेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो क्या कहलाता है, लीनियर। लीनियर होता है तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता, बट अभी कैसा आ रहा है हमारा, इस टाइप से स्ट्रेट लाइन आ रही है। मतलब लोड करंट कितना भी बढ़ता जाए, ये क्या है हमारा, टर्मिनल वोल्टेज जो है इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये जो ग्राफ है वो कैसा है हमारा, नॉन लीनियर ग्राफ होता है, ओके। तो ये जो वोल्टेज सोर्स है, आइडियल वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ये क्या होते हैं, एक्टिव सोर्स होते हैं, ठीक है। एक्टिव पैसिव हमने आपको बताया, एक्टिव वह होते हैं जिनको क्या होता है, एक्सटर्नल पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, और पैसिव वो जिनमें एक्सटर्नल पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये क्या है, एक्टिव सोर्स है, इनको एक्सटर्नल पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो जो एक्टिव सोर्स होते हैं वो, उनका जो ग्राफ होता है मोस्टली वो कैसा होता है हमारा, नॉन लीनियर होता है हमारा, और कैसा होता है, यूनिलैटरल होता है, ओके। ये याद रखने वाली चीज है कि जो एक्टिव सोर्स होते हैं उनका जो ग्राफ है वो मोस्टली नॉन लीनियर होता है और यूनिलैटरल होता है। तो ये हो गया आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल मतलब कि जो टर्मिनल वोल्टेज है इसकी वैल्यू जो है लोड करंट की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रही है। लोड करंट कुछ भी फ्लो हो, टर्मिनल वोल्टेज जो है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, इसलिए ये हो गया हमारा क्या, आइडियल वोल्टेज सोर्स, ओके। अब अपन डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होगा। अगर अपन प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करें तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होगा,
आइडियली क्या है कि कोई चीज पॉसिबल होती नहीं है, बट अपन मान लेते हैं कि आइडियली ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी बायर है, कोई भी अपन लाइन बिछा रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो उसमें क्या है, रेजिस्टेंस होता ही है, रेजिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ, भले बहुत ही कम होगा, ठीक है, अच्छा वाला अपन ले रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो बहुत मिनिमम, लेकिन कुछ तो होता ही है, कुछ रेजिस्टेंस होगा तो उसमें कुछ ड्रॉप होगा, तो जो टर्मिनल वोल्टेज है उसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो आइडियली कोई चीज पॉसिबल नहीं है, बट अपन मान के चलते हैं कि अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो वो हमारा इस टाइप से होगा, ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं क्या प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। अब अगर हमारा वोल्टेज सोर्स क्या है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स अपन लेके चल रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, सपोज यहाँ पे ये अपन दे रहे हैं और यहाँ पे हमारा आर है, ये इस टाइप से होगा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स मतलब क्या है, वोल्टेज सोर्स, साथ में उसमें क्या है, कुछ भी क्या रहता है, हमारा रेजिस्टेंस रहता है, जो वोल्टेज सोर्स है उसका भी क्या होगा, कुछ हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो ये हमारा वोल्टेज सोर्स है और ये इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। और या फिर हमारा क्या है, एसी सप्लाई है, तो यहाँ पे क्या होगा, इम्पीडेंस आएगा जेड एस, ठीक है, ये हमारा क्या है, वीएस। तो इस टाइप का अगर होगा हमारा, मतलब जो वोल्टेज सोर्स है उसके साथ साथ क्या होगा, कुछ रेजिस्टेंस भी होता है, तो ये क्या हो गया हमारा, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। अब सपोज दैट अपन इसमें क्या कर रहे हैं, हमारा लोड वोल्टेज यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, ये टर्मिनल वोल्टेज सपोज यहाँ पे अपन को फाइंड करना है, कोई लोड लगा दिया, यहाँ का टर्मिनल वोल्टेज ये VL है हमारा, ये लोड करंट IL फ्लो हो रहा है, अपन को टर्मिनल वोल्टेज VL फाइंड करना है, तो VL हमारा जो है टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, VL या VT ले लेते हैं, उसमें VT लिया था, तो VT जो है टर्मिनल वोल्टेज वो क्या होगा, अगर अपन फाइंड करेंगे, इसमें अपन को KVL अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। KVL अपन कैसे लगाते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है वो कहता है कि समेशन ऑफ V इक्वल टू जीरो होगा, जो पूरा का पूरा ये क्लोज सर्किट है इसमें सारे वोल्टेजेस का सम बराबर क्या होगा, जीरो होगा, मतलब ये जो वोल्टेज है ये इन दोनों में डिवाइड होगा, सिंपल सा आपको भी समझ में आता है। कहीं से अपन वोल्टेज ले रहे हैं 230 वोल्ट अपने आ रहा है, तो वही वोल्ट पूरे घर में डिवाइड होगा, कहीं और से हमारा क्या होगा, उत्पन्न तो होगा नहीं, क्योंकि एनर्जी ना जनरेट होती है और ना ही डिस्ट्रॉय होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में केवल कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज सोर्स है ये यहाँ और यहाँ दो पार्ट में इसके ड्रॉप डिवाइड होंगे, तो अगर अपन लिखेंगे तो हम KVL हमने आपको बताया था तो कैसे लिखते हैं, ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो जहां से एंटर कर रहा है वो टर्मिनल पॉजिटिव और जहां से लीव करता है वो टर्मिनल नेगेटिव, तो करंट यहां से एंटर कर रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब KVL लगाना है, तो जब भी अपन KVL लगाते हैं तो ये जो दो हमारे टर्मिनल है, साइन है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो कोई भी एक अपन क्या करेंगे, साइन लेके चलते हैं, या तो फर्स्ट साइन ले लें या फिर सेकंड साइन ले लें। मैं सेकंड साइन लेके चलती हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ वी एस, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आई एल इंटू आर एस, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, वी इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर, यहाँ करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई एल, और ये क्या है, आर एस, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस वी ऑफ टी इक्वल टू जीरो, होगा कि नहीं होगा। तो जो V ऑफ T है टर्मिनल वोल्टेज वो क्या आएगा, Vs माइनस IL इनटू RS। तो अभी अपन देख रहे हैं कि जो ये टर्मिनल वोल्टेज है ये किसकी वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, करंट की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, जो लोड करंट है इसकी वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। अभी अपन ने इसके पहले देखा आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स में अपन ने क्या देखा, ये जो टर्मिनल वोल्टेज है वो सोर्स वोल्टेज के बराबर है, ये IL की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, नॉट डिपेंड, ठीक है, आई एल की वैल्यू पे हमारा डिपेंड नहीं कर रहा था, इसलिए ये क्या था, आइडियल वोल्टेज सोर्स था। प्रैक्टिकल में क्या है, अपन देख रहे हैं कि जो टर्मिनल वोल्टेज है वो सोर्स की वैल्यू पे तो डिपेंड कर रहा है, साथ में ये लोड करंट की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे लोड करंट बढ़ेगा, ठीक है, अगर अपन आई एल क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, जैसे जैसे ये वाली जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी, तो ये टोटल वैल्यू क्या होगी हमारी, इंक्रीज होगी, ठीक है, ये वाली वैल्यू इंक्रीज होगी, तो ये इसमें से क्या हो रही है, माइनस हो रही है, तो ये जो होल वैल्यू है ये क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो ये भी क्या होगा हमारा, डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर ये वाला टर्म बढ़ेगा, ये इसमें से माइनस हो रहा है, पहले ये जीरो था तो ये फोर वोल्ट था तो फोर रहेगा, फिर ये बढ़ रहा है, ये बन हुआ, तो ये टोटल वैल्यू क्या है, कम हो गई थ्री, तो टर्मिनल वोल्टेज क्या है, कम हो गया। तो जो टर्मिनल वोल्टेज है वो लोड करंट की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ठीक है, कि जो लोड करंट की वैल्यू पे डिपेंड करेंगे वो हो जाएंगे हमारे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, और जो नहीं डिपेंड करेंगे वो हो जाएंगे हमारे क्या, आइडियल वोल्टेज सोर्स। ओके,
अब नेक्स्ट क्या है हमारा, इसका ग्राफ देखते हैं अपन, इसका ग्राफ कैसे बनता है। ओके, अगर अपन इसका ग्राफ देखेंगे तो ये अपन ने माना कि लोड करंट है IL, ये हमारा वोल्टेज है V। तो अगर आइडियल है तो हमारा वोल्टेज कैसा था, कांस्टेंट था, ठीक है, ये टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट था। बट अगर प्रैक्टिकल है तो अपन ने अभी निकाला V ऑफ T बराबर क्या है, Vs माइनस IL इंटू RS। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अगर अपन VT की वैल्यू अपन बोले कि जीरो है, ठीक है, तो Vs इक्वल माइनस IL RS होगा, ठीक है, तो Vs इक्वल टू क्या होगा, IL RS। तो IL की वैल्यू क्या होनी चाहिए, Vs by RS, तब टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे लोड करंट बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये वाला टर्म बढ़ेगा, तो ये ओवरऑल टर्म कम होगा, मतलब टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, कम हो रहा होगा, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। और ये जीरो कब होगा, ये टर्मिनल वोल्टेज है VT, ये जीरो कब होगा, VT जीरो कब हो गया, जब IL की वैल्यू क्या होगी, Vs by RS, ठीक है। तो आइडियली हमारा ग्राफ जो है वो हमारा ऐसा था, बट प्रैक्टिकली जो हमारा ग्राफ है वो कैसा होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो कभी कभी ये ग्राफ पूछ लिए जाते हैं कि जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा उसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स जो होगा उसका ग्राफ किस तरीके से बनता है, ठीक है। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स अगर है तो लोड करंट की वैल्यू क्या होगी जब टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, जीरो होगा। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको अपन को समझना जरूरी है। अपन सिंपल बोल देते हैं कि डिपेंडेंट सोर्स वह सोर्स जो कि किसी दूसरे की वैल्यू पर डिपेंड करें, इंडिपेंडेंट वो जो कि डिपेंड ना करें, आइडियल सोर्स वो होते हैं जिनमें क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज डिपेंड ना करे किसी लोड करंट की वैल्यू पे, और प्रैक्टिकल वो होते हैं जो कि लोड करंट की वैल्यू पे डिपेंड करें। बट किस वैल्यू पे, मतलब कौन सा टर्मिनल वोल्टेज कब जीरो होगा, तो जब लोड करंट की वैल्यू ये होगी तब जीरो होगा, ये अपन ने इस इक्वेशन से देखा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे का प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो अगर अपन देखते हैं तो जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है इसका इंटरनल इम्पीडेंस जो है वो क्या होता है, जीरो होता है, ये याद रखने वाली चीज है। आइडियल वोल्टेज सोर्स इंटरनल इम्पीडेंस इज जीरो, ठीक है। हमने जो आइडियल वोल्टेज सोर्स पहले बनाया था वो कैसा, सिंपल ये बनाया था हमारा, मतलब इसमें कोई भी रेजिस्टेंस लगाया था, नहीं लगाया था, कोई इम्पीडेंस लगाया था, नहीं लगाया था। तो अगर अपन बोलेंगे तो जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है उसका इंटरनल इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, जीरो होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करके लिख लेना, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपसे कहीं भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। एक सिंपल डेफिनेशन दे दी, मतलब इसी तरीके से कि आइडियल वोल्टेज सोर्स है इनफाइनाइट होता है कि कुछ फाइनाइट वैल्यू होती है कि कुछ नहीं होता है। तो जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है इसका इंटरनल इम्पीडेंस जीरो होता है, बट अगर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होगा तो उसका कुछ ना कुछ इंटरनल इम्पीडेंस होगा, जो अपन ने अभी बनाया था ऐसे कि V, उसके साथ साथ क्या होता है, कुछ रेजिस्टेंस होता है या फिर कुछ क्या होता है, इम्पीडेंस होता है, टोटल क्या होता है, जीरो हमारा नहीं होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। अब अपन डिस्कस करते हैं करंट सोर्स। हमने बोला था आपसे कि जो इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं वो दो टाइप से हैं, एक हो गया हमारा करंट सोर्स और एक हो गया वोल्टेज सोर्स। तो ये हो गया हमारा वोल्टेज सोर्स। अब करंट सोर्स हमारा कैसे होगा कि जो हमारा करंट सोर्स है वो भी दो टाइप से होते हैं, आइडियल करंट सोर्स एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं आइडियल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स हमारा क्या होता है, अगर आइडियल करंट सोर्स है तो मतलब क्या है, जो करंट सोर्स है वो क्या है, टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, आइडियल करंट सोर्स है तो उसका डायग्राम कैसे होगा, ये I, ठीक है, या फिर हमारा क्या हो सकता है, कांस्टेंट वैल्यू होगी, या फिर I क्या हो सकता है, Im sin omega t, ठीक है, मतलब DC वैल्यू हो सकती है या फिर हमारी क्या हो सकती है, AC वैल्यू हो सकती है, ठीक है, Im sin omega t या फिर Im cos of omega t। तो अगर इस आइडियल वोल्टेज सोर्स को अपन किसी सर्किट में लगाते हैं, यहाँ पे ये हमारा क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है Vt, ठीक है, प्लस माइनस V ऑफ t, ये लोड करंट फ्लो हो रहा है IL, ठीक है। तो ये जो हमारा करंट है ये क्या टर्मिनल वोल्टेज पर डिपेंड करेगा, नहीं करेगा, ये क्लोज सर्किट है, इसमें जो करंट है वो इतना ही करंट हमारा क्या होगा, फ्लो होगा।
ओके तो ये जो हमारा करंट है वो टर्मिनल वोल्टेज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसकी वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या हमारा आइडियल करंट सोर्स। इसका अगर अपन ग्राफ देखेंगे तो इसका जो ग्राफ है वो हमारा किस तरीके से बनेगा, अगर ये हमारा क्या है वी ऑफ टी है, ठीक है, ये अपन आई देख रहे हैं, आई जो है हमारा वो क्या होगा, ठीक है, तो ये आई क्या होगा कांस्टेंट होगा, ये जो आई है टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो ये क्या होगा कांस्टेंट होगा। ओके या फिर अपन कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, ये वी ऑफ टी है तो ये जो आई है सपोज, ठीक है, ये क्या होगा हमारा कांस्टेंट वैल्यू होगी हमारी। ओके जो हमारा आई है ये क्या होगा हमारा कांस्टेंट वैल्यू होगी, अगर ये लोड करंट है आई है, ये आई हमारा हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट। तो अगर जो ये हमारा सोर्स है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, या लोड करंट बोले अपन, लोड करंट की वैल्यू जो है वो हमारी एक फिक्स्ड वैल्यू रहेगी आई, ये जो आई एल है वो हमारा किसके बराबर होगा आई के, तो जो लोड करंट है इसकी वैल्यू एक फिक्स्ड वैल्यू है आई, ये टर्मिनल वोल्टेज पर डिपेंड नहीं कर रही है। आप टर्मिनल वोल्टेज कितना भी बढ़ाएं कम करें, ये जो लोड करंट की वैल्यू है वो हमेशा फिक्स्ड वैल्यू रहेगी आई, जो कि क्या है सोर्स करंट के बराबर है, ठीक है, यहाँ पे जो आई है वो क्या है सोर्स करंट है। तो अगर जो हमारा लोड करंट है, ठीक है, अभी अपन टर्मिनल वोल्टेज देख रहे थे उसमें कि टर्मिनल वोल्टेज लोड करंट पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो अब अपन जो लोड करंट है क्या वो टर्मिनल वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू कितनी भी बढ़ाइए, जो लोड करंट है वो हमेशा क्या रहेगा फिक्स्ड रहेगा एक वैल्यू आई एस के बराबर, जो कि क्या है सोर्स करंट की वैल्यू है उसके बराबर, ठीक है। तो ये हो गया आइडियल करंट सोर्स, मतलब ऐसा करंट सोर्स जिसमें लोड करंट इंडिपेंडेंट है टर्मिनल वोल्टेज से। ओके अगर लोड करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, अगर लोड करंट की वैल्यू जो है वो टर्मिनल वोल्टेज से इंडिपेंडेंट है तो वो क्या कहलाएगा आइडियल करंट सोर्स कहलाता है। अब वही प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या होंगे, ऐसे करंट सोर्स जिनमें लोड करंट की वैल्यू जो है वो टर्मिनल वोल्टेज से इंडिपेंडेंट ना हो। ओके प्रैक्टिकल करंट सोर्स, अगर अपन प्रैक्टिकल करंट सोर्स की बात करें तो इसमें क्या होगा, ऐसे अपन ने बनाया था, ये क्या है हमारा करंट, इसके साथ क्या होगा एक रेजिस्टेंस भी होगा, ये हो गया सोर्स रेजिस्टेंस, ये करंट है, ठीक है। या फिर अपन बात करें एसी सोर्स की तो ये क्या हो जाएगा हमारा आई ऑफ टी, साथ में पैरेलल में क्या होगा एक इंपीडेंस भी होगा जेड एफ। ये आई ऑफ टी क्या हो सकता है आई एम साइन ओमेगा टी या फिर आई एम कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो अब अगर अपन लोड करंट की वैल्यू निकालेंगे आई एल, ठीक है, तो जो हमारा आई एल होगा, सॉरी यह हमारा, ये तो इंटरनल इंपीडेंस है इसका, अब अगर अपन लोड लगाते हैं, ठीक है, अगर अपन लोड लगाते हैं तो हमारा ये अपन ने सर्किट माना, ये आई है, ठीक है, इसका इंटरनल इंपीडेंस क्या है आर है, और यहाँ पे अपन लोड लगाते हैं, ठीक है, ये हमारा लोड है, तो ये जो IL है क्या अब ये I के बराबर होगा, नहीं होगा, कुछ करंट क्या है यहाँ भी जा रहा होगा, ठीक है, ये क्या है हमारा टर्मिनल वोल्टेज V of T। तो अब जो ये हमारा लोड करंट है IL वो हमारा किसके बराबर होगा, अगर अपन यहाँ पे KCL लगाते हैं, KCL क्या होता है हमारा किसी भी पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है A, इस पे अगर अपन KCL अप्लाई करते हैं तो KCL क्या बोलता है हमारा किरचॉफ करंट लॉ, समेशन आई बराबर जीरो होता है, मतलब सम ऑफ एंटरिंग करंट इक्वल टू क्या होता है सम ऑफ आउटगोइंग करंट, सम ऑफ एंटरिंग करंट एट एनी नोड इक्वल टू क्या होता है सम ऑफ आउटगोइंग करंट, ठीक है, एट दिस नोड। तो इस पे एंटरिंग करंट कौन सा है आई, ये आ रहा है, आउटगोइंग कौन से है दोनों आई वन प्लस आई एल। अब आई वन जो है वो क्या हो सकता है वोल्टेज वी टी, ये है तो वी टी यहाँ पे होगा वोल्टेज, ठीक है, तो आई वन क्या हो सकता है वी टी वाई आर प्लस आई एल इक्वल टू आई। ओके तो अगर अपन आई एल फाइंड करेंगे तो आई एल क्या लिख सकते हैं आई एल इक्वल टू आई माइनस वी ऑफ टी वाई आर, ये होगा लोड करंट। तो
तो इसके पहले अपन ने देखा था जो आइडियल वोल्ट करंट सोर्स था उसमें आई एल जो था वो किसके बराबर था, आई के बराबर, ठीक है। जो लोड करंट था वो हमारा सोर्स करंट के बराबर था, वो टर्मिनल वोल्टेज पे डिपेंड नहीं कर रहा था, यहाँ कोई टर्मिनल वोल्टेज का टर्म आ रहा था नहीं आ रहा था। बट अभी अपन देख रहे हैं कि जो आइडियल लोड करंट है वो क्या है, केवल सोर्स करंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो टर्मिनल वोल्टेज पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे सोर्स आइडियल सोर्स करंट सोर्स जो कि क्या करे, जिनकी लोड करंट की वैल्यू उनके टर्मिनल वोल्टेज पे डिपेंड करे, वो क्या कहलाते हैं, प्रैक्टिकल करंट सोर्स कहलाते हैं। ओके, अब अपन इसका ग्राफ देखते हैं कि इसका ग्राफ हमारा कैसा बनेगा। तो अपन आइडियल वोल्ट एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या बोल सकते हैं, जिनमें लोड करंट वैल्यू इज डिपेंड ऑन टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। लोड करंट की वैल्यू अगर टर्मिनल वोल्टेज पे डिपेंड करती है तो वो क्या करेंगे, हमारे प्रैक्टिकल करंट सोर्स कहलाते हैं। ओके, अब अगर अपन इसका ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ जो है वो हमारा कहता है, अगर ये हमारा वी ऑफ टी है, ठीक है, ये है हमारा क्या, आई करंट है। अब लोड करंट अगर अपन को निकालना है तो प्रैक्टिकल आइडियली अपन देख रहे थे कि लोड करंट जो था वो हमारा कैसा था, ये था, ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू थी। बट प्रैक्टिकली क्या होगा, अगर अपन बोल रहे हैं कि लोड करंट हमारा जो है वो जीरो होगा, ठीक है, जो जीरो होगा कब होगा, जब आई माइनस वी ऑफ टी बाई आर, अगर लोड करंट अपन बोल रहे हैं कि जीरो तो हमारी कंडीशन क्या आएगी, आई बराबर वी ऑफ टी बाय आर, मतलब वी ऑफ टी इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई इंटू आर होगा, तब जाके ये क्या होगा हमारा जीरो होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकली जो है वो हमारा कैसे आएगा, हमारा ये यहाँ पे आर एस होगा, अपन ने आर एस लिया था इसलिए, ठीक है, वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि आर आर। तो प्रैक्टिकली वी ऑफ टी जब आई इंटू आर एस होगा तब हमारा जो लोड करंट है वो क्या होगा, जीरो। तो आइडियली हमारा जो ग्राफ था वो हमारा ऐसे आ रहा था, प्रैक्टिकली ये क्या होगा, रिड्यूस होगा, ये वो पॉइंट होगा, ठीक है, जहां पे हमारा लोड करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो आइडियली ऐसा होता है और प्रैक्टिकली ऐसे होता है, ठीक है। आइडियली जो हमारा लोड करंट वो हमारा कांस्टेंट रहता है, टर्मिनल वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, बट प्रैक्टिकली ये टर्मिनल वोल्टेज पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे हमारा क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज बढ़ेगा, ये हमारा बढ़ेगा तो ये टोटल टर्म क्या होगा, बढ़ेगा, ए इसमें से माइनस होगा तो ये कम होगा, लोड करंट भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो लोड करंट धीरे धीरे कम हो रहा है, लोड करंट कब जीरो होगा, जब टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, आई इंटू आर एस होगा, तब लोड करंट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स। कि आइडियल करंट सोर्स जो होता है वो लोड करंट की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता है, सॉरी, आइडियल करंट सोर्स में जो लोड करंट की वैल्यू है वो टर्मिनल वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती, बट प्रैक्टिकल करंट सोर्स में जो लोड करंट की वैल्यू है वो टर्मिनल वोल्टेज पे डिपेंड करती है। ओके, तो ये होगा हमारे क्या, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दो टाइप के होगा, आइडियल एंड प्रैक्टिकल, और जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है वो भी हमारे दो टाइप के होगा, आइडियल एंड प्रैक्टिकल, ठीक है। तो अगर अपन बात करें तो जो आइडियल करंट सोर्स होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो इनफाइनाइट ओम होता है। आइडियल करंट सोर्स इंटरनल इंपीडेंस इज इनफाइनाइट ओम, ठीक है। जो आइडियल करंट सोर्स होते हैं इनका इंटरनल इंपीडेंस इनफाइनाइट ओम होता है। ओके, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये नोट डाल के लिखना है कि इंपॉर्टेंट जो जो है। इसके पहले अपन ने हमने आपको लिखवाया था आइडियल वोल्टेज सोर्स जो है, आइडियल वोल्टेज सोर्स इसका जो इंटरनल इंपीडेंस होता है, इंटरनल इंपीडेंस इज जीरो ओम, ठीक है, इम्पीडेंस कितना होगा, जीरो ओम होगा। थर्ड, आइडियल अमीटर, आइडियल अमीटर जो होता है इसका इंटरनल इम्पीडेंस इज जीरो ओम, और जो आइडियल वोल्टमीटर होता है, आइडियल वोल्टमीटर इसका इंटरनल इम्पीडेंस जो होता है इज इनफाइनाइट ओम,
ये चारों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें ये कंफ्यूजन हो जाता है, एक जगह सोर्स है और एक जगह क्या है एमिटर है, ठीक है। तो आइडियल करंट सोर्स है अगर हमारा तो उसका क्या होता है, आइडियल करंट सोर्स है इसका इंटरनल इंपीडेंस क्या होता है इनफाइनाइट, वाई आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल इंपीडेंस जीरो होता है, आइडियल अमीटर का जीरो ओम होता है और आइडियल वोल्टमीटर का इनफाइनाइट ओम होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख लीजिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटा सा टॉपिक है, सोर्सेस क्या होते हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, आप सोचोगे इससे क्या आ सकता है, इससे ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, या जो हमने ग्राफ बनाया है वो ग्राफ बना के आपसे, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, इस टाइप से ग्राफ बना देंगे, पूछेंगे ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का है, ये जो पॉइंट है यहाँ दे दिया सपोज ए रख के, ये जो ए है इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, ठीक है, ये जो बी है यहाँ पे वैल्यू क्या होगी हमारी, तो वो आप ग्राफ से समझेंगे टोटली तभी आपको समझ में आएगा कि हमारा क्या होता है और क्या नहीं होता है। ओके, अब अपन डिस्कस करते हैं कि हमारे डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स मतलब डिपेंडेंट सोर्सेस क्या होते हैं। तो डिपेंडेंट सोर्स हमने आपको बताया चार टाइप के होते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है। तो ये हमारे चार टाइप से होते हैं, एक हो गया हमारा ये, ओके, ये हमारे चार हैं, ये दो वोल्टेज सोर्स और ये दो हमारे क्या हैं करंट सोर्स, ठीक है। तो पहला अपन लेते हैं क्या है, ये हमारा सपोज यहाँ पे के वी एक्स है, ओके, नेक्स्ट हमारा के आई वाई, फिर हमारा के आई एक्स एंड के वी एक्स, इस तरीके से अगर ये हमारी वैल्यू है सपोज, ठीक है, तो हमने आपको बोला ये जो पहला वाला है ये हमारा क्या कराएगा, ये सोर्स कौन सा है वोल्टेज, ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज बना है और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इसकी जो वैल्यू है के वी एक्स है, मतलब किसी दूसरे वोल्टेज सोर्स पर ही डिपेंड कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स है बस किस पे डिपेंड है वोल्टेज पे, इसलिए इसका नाम हो गया वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ये वोल्टेज सोर्स है बस किस पे डिपेंड है करंट पे, ठीक है, तो करंट डिपेंडेंट ये क्या हो जाएगा करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। ये नेक्स्ट जो है ये जो बना होता है ये हमारा क्या है मेन सोर्स है और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये वैल्यू यहाँ पे लिखी है, तो ये क्या है करंट का डायग्राम, करंट का सिंबल ऐसे ही बनाते हैं, तो ये क्या है करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ये सॉरी वोल्टेज डिपेंडेंट, वोल्टेज पर डिपेंडेंट सोर्स कौन सा है करंट, तो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, ओके। तो ये हमारी चार टाइप के हमारे क्या होते हैं हमारे सोर्सेस होते हैं, ठीक है, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, ये टोटल हमारे जो डिपेंडेंट सोर्स है वो चार टाइप के होते हैं। अगर वोल्टेज सोर्स है वो वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है तो ये, वोल्टेज सोर्स करंट पे डिपेंड कर रहा है तो ये हमारे टोटल सोर्सेस हो गए कि कोई भी हमारा सिस्टम है उसमें या तो आइडियल वोल्टेज सोर्स लगा होगा या डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगा होगा, ठीक है, इससे ज्यादा कोई भी सोर्स नहीं लगा होता है। अब अपन एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं, डेड नेटवर्क क्या होता है, ये जो प्रैक्टिकल ये जो हमारे डिपेंडेंट सोर्स हैं इनके लिए क्या होता है एक आइडियल वोल्टेज सोर्स लगा होना जरूरी होता है, जब तक सिस्टम में आइडियल सोर्स नहीं लगा होगा तब तक ये हमारे क्या करते हैं काम नहीं करते हैं, मतलब एक इंडिपेंडेंट सोर्स लगाना जरूरी होता है। डेड नेटवर्क, डेड नेटवर्क क्या होता है हमारा,
विदाउट इंडिपेंडेंट सोर्स, अगर अपन बिना इंडिपेंडेंट सोर्स की बात करें तो डिपेंडेंट सोर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन नेटवर्क, ये क्या होता है डेड नेटवर्क, ठीक है, विदाउट इंडिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स, विदाउट इंडिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन अ नेटवर्क, ठीक है, बिना इंडिपेंडेंट सोर्स के जो डिपेंडेंट सोर्स है वो नेटवर्क में एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं डेड नेटवर्क। सपोज ये हमारा एग्जाम्पल है, ओके ये हमारा एक एग्जाम्पल है, ये हमने यहाँ पे बना हुआ है, ये 2vx है, ये vx है हमारा, ओके ये हमारा सपोज 2vx है और ये vx है, ये क्या है अब हमारा, ये जो है ये क्या है हमारा डिपेंडेंट सोर्स है कि नहीं, ये डिपेंडेंट सोर्स है, ये कौन सा डिपेंडेंट सोर्स है, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है, VDVS है ये हमारा वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, यहाँ कोई भी सोर्स लगा है जो आइडियल होना ही है, आप कैसे इसमें वैल्यू फाइंड कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो ये जो नेटवर्क है वो क्या हो गया डेड नेटवर्क है, मतलब ये मरा है, मतलब डेड का मतलब क्या है मर जाना, मतलब कोई काम का ही नहीं है, तो ये कोई काम का है क्या, ये जो वोल्टेज सोर्स है सोर्स कनेक्ट नहीं होगा तब तक ये हमारा किसी काम का नहीं है, ठीक है, तो ये अभी क्या है डेड नेटवर्क है, तो अपन बोलते हैं कि विदाउट इंडिपेंडेंट सोर्स, जब तक कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स ना लगा हो तब तक जो हमारा डिपेंडेंट सोर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता है नेटवर्क में, मतलब हो बहुत सारे हमारे डिपेंडेंट सोर्स लगे हो बट कम से कम एक इंडिपेंडेंट सोर्स लगा होना जरूरी है, तभी वो क्या करता है डिपेंडेंट सोर्स नेटवर्क में एग्जिस्ट करता है, ओके, तो एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट इन द नेटवर्क विद डिपेंडेंट सोर्स। तो ये हमारा क्या है, अगर सपोज इसी नेटवर्क में अब अपन यहाँ पे कोई एक डिपेंडेंट सोर्स लगाते हैं प्लस माइनस 8 वोल्ट सपोज, ठीक है, तो अब क्या होगा इसमें फाइंड कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ये हमारा क्या है 2 मान लीजिए यहाँ का रेजिस्टेंस है, यहाँ से अपन को करंट फाइंड करना है, अपन फाइंड कर लेंगे, यहाँ से अपन लगाएंगे प्लस का क्या हो जाएगा 8 वोल्ट, ये करंट ऐसे जा रहा है प्लस माइनस, ठीक है, ये माइनस का Vx हो गया, ये माइनस 2Vx इक्वल टू क्या है 0, तो 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3Vx, Vx इक्वल टू 8/3, वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई हमारी, ठीक है, तो एक हमारा डिपेंडेंट सोर्स हमारा क्या है कम से कम प्रेजेंट होना जरूरी है सिस्टम में, तभी हमारा डिपेंडेंट सोर्स एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज वो नेटवर्क कैसा कहलाएगा डेड नेटवर्क कहलाता है, ओके, तो नोट करके आप लिख ले कि एटलीस्ट वन डिपेंडेंट सोर्स at least one independent source present, at least one independent source present in the network with the dependent source, present in the network with the dependent source, dependent source, ठीक है, अदरवाइज नेटवर्क इज डेड नेटवर्क, अगर नहीं होगा तो जो नेटवर्क है वो कैसा कहलाएगा हमारा नेटवर्क इज डेड नेटवर्क, मतलब वो जो नेटवर्क है वो समझ लीजिए किसी काम का ही नहीं है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल सोर्स क्या होते हैं हमारे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, उनके सारे टाइप्स पढ़ लिए अपन ने, डेड नेटवर्क समझ लिया कि क्या होता है, डिपेंडेंट सोर्स किसी काम, इंडिपेंडेंट सोर्स किसी काम का नहीं, डिपेंडेंट सोर्स जो है वो किसी काम का नहीं होता है जब तक कम से कम एक इंडिपेंडेंट सोर्स उस सिस्टम में प्रेजेंट ना हो, ठीक है, अगर एक भी इंडिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट नहीं होगा तो वो किसी काम का नहीं होगा, जो नेटवर्क है वो हमारा कैसा होगा डेड नेटवर्क कहलाता है, ओके, थैंक यू।